हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर तो आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट फोर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम लोगों ने यूनिट फोर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो आज हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया सो so, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है इनर्शिया अगर अगर हम किसी भी बॉडी को अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला रहे हैं या फिर वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला रहे हैं तो उस चेंज को वो जो एक उस बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो चेंज करते हैं उस बॉडी के अंदर वो उसको वो अपोज करता है उसे बोलते हैं हम लोग इनर्शिया इनर्शिया इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज़ द चेंज इन इट स्टेट इन ट्रांसलेटरी मोशन तो इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया किस में सिग्निफिकेंट है ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें हम लोग किसी बॉडी को अगर ट्रांसलेट करें लाइक like एग्जाम्पल जैसे कि एक छोटी सी बॉडी है इसको हम लोग ट्रांसलेट इसे हम लोग डिस्प्लेस करें इसे मोशन में ला रहे तो ये ट्रांसलेट करें ना इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इसको ऐसे डिस्प्लेस करें तो इसे क्या बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन बट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेटरी मोशन में सिग्निफिकेंट होता है जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उस टाइम पे एक अनर्शा उस टाइम पे उस अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो उसे हम लोग अगर उसमें उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे या फिर वो रेस्ट में है तो उसको रोटेट करेंगे तो उस टाइम पे जो जो प्रॉपर्टी uh, है जो अपोज करती है उस स्टेट को चेंज होने में तो उसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो हम इसे सिंपली इनर्शिया बोलेंगे और अगर रोटेटरी मोशन में है तो उस टाइम पे हम क्या टर्म यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है कि इनर्शिया ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटरी मोशन के लिए होता है अब इनर्शिया का डेफिनेशन देख लेते हैं इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन इट स्टेट इन ट्रांसलेटरी मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन स्टेट इन रोटेटरी मोशन दोनों सेम है बस यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन है यहाँ पे रोटेटरी मोशन है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑनली ऑन इट्स मास बॉडी मतलब किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर तो डिपेंड करता ही है डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस में जो मास का डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता है उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ कॉन्स्टेंट किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सेज ऑफ रोटेशन अगर हम दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेज ऑफ रोटेशन में अगर हम एक्स एक्सेस पे रोटेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का डिफरेंट होगा वाई एक्सेस पे डिफरेंट होगा तो वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के से डिफर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ थ्योरम्स है उसे स्टडी कर लेते हैं वी हैव थ्री थ्योरम्स तो फर्स्ट थ्योरम क्या है थ्योरम ऑफ एडिशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम अबाउट दैट एक्सिस लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है हमारी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? इस बॉडी का टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इज इक्वल टू द ईच इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स सो इस बॉडी का जो टोटल मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ़ द सिस्टम इस इस बॉडी को सिस्टम बोला गया है तो इसके हर एक जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन क्या होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक इफ कंसिडर इफ आई वन आई टू आई थ्री आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री एंड सो ऑन और अगर हम इस बॉडी के एक छोटे से एक किसी एक पार्टिकल को इसमें से डिटैच कर देते इससे निकाल देते हैं तो उस तो फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट अभी तो हमारे पास टोटल है तो उसके बाद अगर हम एक पार्टिकल जैसे आई वन को हम लोगों ने वहाँ से निकाल दिया तो जो उसका रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जैसे हम लोग आई वन को निकाल दिए तो टोटल का क्या होगा आई टोटल मोमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो पार्ट हमने निकाला है जैसे कि मान लो आई वन को निकाल दिया है तो वो तो रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाएगा ये ऐसे निकालना है हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दोज एक्सिस एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स इसका so, क्या मतलब हुआ कि जैसे कि ओ एक्स और ओ वाई आर टू एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये दो एक्सेस है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और प्लेन ऑफ द बॉडी मीन्स ये एक बॉडी है ये वाली ये जो हम लोगों ने बनाया ये इस पर तो वो ये वाला जो क्या है ये बॉडी के जो बॉडी का जो प्लेन है उस पर लाइक कर रहा है एंड ओ जेड इज द एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी मतलब ओ जेड को थ्री डी अगर हम एज्यूम करें तो ये ऐसे कुछ हो रहा है तो ये जो बॉडी है ये वाली उसके परपेंडिकुलर में तो एंड ओ जेड इज द एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड पासिंग थ्रू ये ओ जेड कहाँ से पास कर रहा है ओ एक्स और ओ वाई के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो हमारा छोरम परपेंडिकुलर एक्सेस क्या कहता है अगर इफ आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सेस आई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सेस एंड आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई मोमेंट ऑफ एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड एक्सिस अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस इसका मतलब ये है इसका मतलब ये कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जैसे कि जैसे कि कोई बॉडी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है आईओ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन में है वो आईओ है जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मतलब वो पॉइंट के मतलब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे हमारा ऐसे परपेंडिकुलर तो अगर इसका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू आई ओ इज़ इक्वल टू वो किसके सम के इक्वल होगा उसके अपने जैसे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ऐसा है हमारा और एक हमारा ये दूसरा एक्सिस है यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये दोनों तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए ना देखिए ये दोनों ये ऐसे रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विच पासिस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्लस क्या होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी मतलब इस पूरे बॉडी का जो मास होगा एम इन टू इन दोनों एक्सेस ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन हुआ और यहाँ पे हमारा सेंटर एक्सेस क्या है हमारा उसका पैरेलल एक्सेस जो सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर मास से पास हो रहा है यहाँ से पास हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ओ सी जिसको हम लोग एल ले, ले लेते हैं तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरल एक्सेस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस ये दोनों एक्सेस के बीच का ये हमारा होगा थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस तो ये हुए हमारे थ्री थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये एग्जाम्स में पूछते हैं फाइव मार्क्स में बुक में इसका थोड़ा डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है कैसे लिखना मीन्स एग्जाम पे इतना थोड़ा सा ही तो नहीं लिखेंगे इसका जो भी डेफिनेशन वगैरह है छोटा सा जो प्रूफ है वो आप लोग लिख लीजिएगा ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में दो तीन बार पूछा जा चुका है ये है ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पियर ऑफ मास एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस एंड टेंजेंट हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सॉलिड स्पीयर जिसका मास है एम और रेडियस है आर उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट और टेंजेंट के अबाउट तो उसको देखते हैं कैसे होगा तो कंसिडर कीजिए एक पहले हम लोग हॉलो स्पीयर का कर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग सॉलिड स्पीयर का डिस्कस करेंगे तो एक हॉलो स्पीयर कंसिडर कीजिए जैसे कि की कोई बॉल प्लास्टिक बॉल उसको अगर हम लोग प्लास्टिक बॉल जो ऐसा है उसे ऊपर से हम लोग कट कर दें इमेजिन कीजिए अगर ऊपर से कट कर देंगे तो एक रिंग शेप मिलेगा हमें एक ऐसा कुछ शेप मिलेगा ऊपर में तो यहीं ये ई एफ जी एच जो है उसे हम लोगों ने कट कर देने के बाद ऐसा कुछ रिंग टाइप का शेप मिला है तो जो उस स्पेरिकल शेल का जो मास है वो एम है जो रेडियस है वो आर है तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस ये इसका डायमेट्रिकल एक्सिस है ना या इसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है so, सो स्पेरिकल शेल का जो सर्फेस एरिया वो क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर मास पर तो जो उसका मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा मास है हमारे पास एम उसका सरफेस एरिया है फोर पाई आर स्क्वायर तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा एम अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर तो कंसिडर कीजिए एक रिंग ई एफ जी एच मैंने बताया ना रिंग कैसे आएगा वैसे उस रिंग को कंसिडर कीजिए एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ओ जो इस बॉडी का जो सेंटर ओ है वो जो रिंग है ये रिंग ये यहाँ से है ना यहाँ पे यहाँ से अपन ने कट किया तो वो कितने डिस्टेंस में है एक्स डिस्टेंस में और ये जो एंड जी है जी एंड इसका वो कितना कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है एंड ई e, जो ये एंड ई e है मेक्स एंगल थीटा प्लस डी थीटा विद द एक्सिस ए बी इस डायमेट्रिकल एक्सिस से जो एंड जी है वो कितना एकस, कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है और एंड ई e है वो थीटा प्लस डी थीटा एंगल बना रहा है तो जो हम लोग क्या रेडियस जो रिंग का जो रेडियस है उसको हम लोग आर स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं तो वो कितना होगा रिंग का रेडियस, रेडियस तो हमारे रिंग का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा और उसकी जो विथ्थ है वो आर डी थीटा हो जाएगी विथ आर डी थीटा कैसे होगी देखो रिंग की विथ्थ ये है ना ई जी हम लोगों ने ये ये हमारा जो ई जी एफ एच है ये हमारा रिंग है तो इसकी जो विर्थ है ये कितनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी हम लोगों ने सिर्फ इतना पोर्शन कट किया है तो ये ये विथ्थ की वैल्यू कैसे निकालेंगे विथ की वैल्यू की आर डी थीटा तो जैसे कि ये हमारा ये एंगल है ये आर्क है ये रेडियस है हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है आर एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस तो हमारा एंगल कितना है डी थीटा है आर्क हमारा है ई जी और हमारा रेडियस कितना है आर तो हमारी ई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आर डी थीटा तो इसी कारण से हमारा जो विथ है वो उसकी वैल्यू क्या है आर डी थीटा अब हम उस रिंग का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ रिंग ई एफ जी एच तो वो क्या होगा सर्कम फेयरेंस इन टू विथ सर्कम फेयरेंस क्यों लिए क्योंकि हम लोग एक हॉलोसफेयर को कट करेंगे तो हमें एक एक ऐसा सर्कल की तरह मिलेगा तो सर्कल का एरिया एरिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे इसका जो सर्कम फेयरेंस है वो और जो इसकी विथ्थ है इसकी जो विथ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल होता है टू पाई आर विथ हम लोगों ने निकाला आर डी थीटा अब हमारा जो रिंग का जो रेडियस था हम लोगों ने इसे आर साइन थीटा निकाला था तो उसके प्लेस में आर साइन थीटा पुट कर दे तो हमारा क्या आया एरिया टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा उसके बाद मास ऑफ द रिंग हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था मास पर यूनिट एरिया तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं मास ऑफ द रिंग तो हमारे पास मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू रख दिए और हमें एरिया ऑफ द रिंग मिल गया तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाने के बाद हमें मास मिल जाएगा तो वही हम लोगों ने मास ऑफ द रिंग का फॉर्मूला बनाया है तो ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद हमें मास ऑफ द रिंग क्या मिलता है एम बाय टू साइन थीटा डी थीटा अब मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया का क्या क्या फॉर्मूला था मास ऑफ रिंग इंटू रेडियस स्क्वायर मतलब मास इंटू रेडियस स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया का फॉर्मूला तो हमारे मास ऑफ द रिंग क्या है एम बाई टू साइन थीटा डी थीटा रेडियस है आर साइन थीटा ये हम लोग किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस हॉलो स्पीय का निकाल रहे हैं इसलिए हम लोगों ने ये रेडियस का क्या वैल्यू था थीटा फिर हम लोगों ने ये आई की वैल्यू क्या हाफ एम आर अब हमें अब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द एक्सिस क्या था डायमीटर था फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू जीरोक्वल्स टू पाई हमारा ये डायमीटर था ना तो ये थीटा यहाँ पे क्या होगा जीरो वैल्यू और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई वन एटी डिग्री तो इस पूरे डायमीटर डायमीटर के डायमीटर के रिस्पेक्ट में डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इसलिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू फाइव में वन बाई टू एम आर स्क्र साइन क्यूब थी डी थी इसका इंटीग्रेशन करने पे हमारा वैल्यू आएगा इसको इंटीग्रेशन कर देने के बाद हमारी जो आई की वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो होगी टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस निकल गया हमें अबाउट इट्स टेंजेंट भी निकालना था तो टेंजेंट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेरिकल शेल इज पैरेलल टू इट्स डायमेट डायमीटर देर फोर द हम लोग यहाँ पे क्या पैरल एक्सिस वाला थ्योरम यूज़ करेंगे उसके टैंजेंट के अबाउट निकालने के लिए तो जो टैनजेंट हम ऐसा टेंजेंट लेंगे जो उसका जो डायमेट्रिक जैसे कि ये, ये हमारा शेल था उसका ये जो डायमेट्रिकल एक्सिस क्या था ये तो हम कैसा टेंजेंट लेंगे जो इसके ये ये होता है ना टैनजेंट जो टच करते हुए यहाँ से जाता है तो इस टैन जो ये टैनजेंट है ये डायमेट्रिकल एक्सिस की जो पैरल होगा हम वो वाला टेंजेंट लेंगे तो उस अबाउट इट्स टैजेंट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट टेंजेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर विच इज पासिंग ट्रू द सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या 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 पैरल एक्सिस थे और हम जो भी पढ़ा था उसे हम लोग यूज करें प्लस मास इं टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देंजेंट एक्सिस एंड द पैरल एक्सिस तो ये क्या है रेडियस तो यहाँ पे हम लोगों ने आर स्क्वायर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर हम लोगों ने टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर निकाला था यह एम आर स्क्वायर को प्लस करने के बाद हमारा अबाउट इट्स टैंजेंट की क्या वैल्यू आ गई फाइव बाई थ्री एम आर स्क्वायर ये वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ये स्पीयर के लिए अब इसके बाद जो हम करेंगे वो वो होगा हमारा सॉलिड स्पीयर के लिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर ये वाला जो डेरिवेशन है गाइस बहुत इजी है इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बुक से ही इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और ये वाला ये वाला ज़्यादा पूछा गया है एज कंपेयर टू होलोस्पियर से तो दिस विल श्योरली दैट इजी क्वेश्चन विल श्योरली फेच यू फाइव मार्क्स तो इसे ज़रूर पढ़ें um, तो हमें सबसे पहले अबाउट इट्स डायमीटर निकालना है ना तो कंसिडर अ सॉलिड स्पीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर वी आर टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर ए बी पासिंग थ्रू इट्स ओ तो एक सॉलिड स्पीयर ऑफ मास एम मीन्स इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे uh, एक बॉल एक जो सॉलिड लाइक स्माइली बॉल्स आते हैं ना वो वो बॉल्स को हम इसका एग्जाम्पल उसमें उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं तो उसका मास क्या है एम एंड रेडियस आर और उस स्पीयर का हम लोगों ने डेंसिटी लिया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो स्पियर का मास लिए हैं एम और स्पियर का वॉल्यूम होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू तो ये हमारा एक स्पियर है जिसका रेडियस है आर और इस ये जो ई जी ये यहाँ से हम लोगों ने एक एक सरफेस इसको काटा है ई जी एफ एच तो जब हम लोग स्पीयर को कट कर रहे थे तो हमें एक सर्कल टाइप शेप मिल रहा था बट जब हम एक क्या एक सॉलिड स्पीयर को हम लोग कट करेंगे तो हमें एक डिश डिस्क टाइप शेप मिलेगा तो ये तो वही बोल रहा है कंसिडर अ डिस्क ई एफ जी एच ऑफ विथ डी एक्स उसकी विथ क्या है डी एक्स है एट अ डिस्टेंस एक्स इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से एक्स द रेडियस ऑफ डिस्क डिस्क का रेडियस कैसे निकाले हैं ये जैसे कि लाइक like यहाँ पे हम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा जो ये वाला डिस्टेंस है वो डिस्क का रेडियस होगा तो यहाँ से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है तो आर स्क्वायर नहीं ये बड़ा वाला जो आर स्क्वायर है इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस लगा तो जो ये आर की क्या वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होता है एरिया इन टू विट तो हमारा एरिया क्या है अब हम लोगों ने पहले उसमें हॉलोस्पियर में जब हम लोग को निकालना था तो हम लोगों ने ये सर्कल सर्कल का एरिया क्या लिखा था सर्कम पेयरेंस इंटू विथ लेकिन अभी अभी क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्क निकालना है तो इसमें एरिया इंटू विट तो एरिया ऑफ और इसका एरिया कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का भी क्या होता है एरिया निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है ना और ऑबेट क्या है डी एक्स तो आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब मास ऑफ डिस्क निकालना है हम लोगों ने उधर क्या निकाला था डेंसिटी ऑफ डिस्क क्या था हमारा मास अपॉन वॉल्यूम तो मास ऑफ़ डिस्क निकालना है तो उसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने से वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाने के बाद हमें मास मिल जाएगा तो वैसे ही मास ऑफ़ डिस्क क्या आया पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो रो ये डेंसिटी की वैल्यू है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस ए ओ बी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वो जो डिस्क है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एट एन एक्सिस ए ओ बी उसकी क्या जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वन बाय टू इंटू मास ऑफ़ डिस्क इंटू रेडियस स्क्वायर तो वन बाय टू मास डिस्क का मास क्या था पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो एंड रेडियस का वैल्यू था रेडियस स्क्वायर का आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसको सॉल्व करने पे गया अब हमें हम लोगों ने अभी किसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने ड्यू टू सॉलिड स्पियर कैन बी ऑप्टेंड बाई इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन उस अबव एक्सप्रेशन को जब आर की वैल्यू माइनस जब एक्स की जो ये एक्स की वैल्यू है जब वो माइनस आर थी टू द प्लस आर पूरा यहां तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है सो अब इक्वेशन को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया माइनस आठ से प्लस आर तक तो इंटीग्रेट करने पे हमारी वैल्यू क्या आई टू बाय फाइव एम आर अबाउट इट्स टेंजेंट निकालेंगे अ टेंजेंट ऑन द स्पीयर इज पैरल टू इट्स डायमीटर देयर फोर बाय द थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस जैसा हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले में निकाला था वैसे ही है आई अबाउट टेंजेंट निकालना है तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मास इंटू रेडियस का स्क्वायर तो ये क्या था हमारा आई अबाउट डायमीटर था हमारा टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर तो हमारी अबाउट इट्स टेंजेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर सो so, इस वाले को मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है बिकॉज इट्स इट्स वेरी सिमिलर टू द हम लोगों ने जिससे पहले सॉल्व किया था उसके उसके जैसा ही है और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम पे तो उसको आप ज़्यादा जा, अच्छे से कीजिएगा और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट है तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं उस क्वेश्चन के साथ टिल देन बाय टेक केयर